The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Mammography के बारे में आज बातचीत हो रही है. Mammography एक एक्सरे है जिसमें के हम आपके ब्रेस्ट की फोटो खींच रहे हैं. एक एक्सरे है आपके ब्रेस्ट का. ये ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर और कैंसर पकड़ने के लिए एक टेस्ट है. जी हाँ, ब्रेस्ट के अंदर आपकी फीमेल जो ब्रेस्ट है उसके अंदर ट्यूमर या कैंसर पकड़ने के लिए टेस्ट है. मेल्स की भी ब्रेस्ट हो सकती है, उसमें भी जरूर कैंसर हो सकता है, उसके लिए भी मैमोग्राफी की जा सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 99% फीमेल्स में की जाती है. कैसे की जाती है, ये क्यों की जाती है, कब की जाती है, प्रिपरेशन कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, नॉर्मल रिजल्ट क्या है, अबनॉर्मल रिजल्ट क्या है, रिस्क क्या है और क्या उससे कोई खतरा है, करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आज आपको हम बताएंगे. सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट करी कैसे जाती है, राइट? टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको वेस्ट से ऊपर आपको नग्न होना होगा. आपको उस हालत में आपका ये टेस्ट किया जाएगा और इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस ऐसी है कि आपको एक गाउन दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा गाउन, राइट? बिल्कुल एक लेयर ऑफ क्लोथ आपको पहनाई जाएगी, जो कि क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बहुत सारे लेयर्स पहन के होते हैं तो बहुत सारे लेयर्स शेडो बना सकते हैं, तो इसलिए आपको एक लेयर पहनाया जाएगा कपड़े का जो आप पहनेंगे, गाउन, और वो गाउन से आप एक्सरे करवा सकते हैं. तो नग्न करने के बाद सिर्फ नग्न नहीं रहेंगे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू विल बी वेयरिंग अ क्लॉथ डिपेंडिंग अपॉन द इक्विपमेंट. ऑब्वियसली यू विल इक्विपमेंट के बेसिस पे आप या तो बैठेंगे या खड़े होंगे. अगर इक्विपमेंट की डिमांड है कि आप बैठे रहें तो आप बैठे बैठे टेस्ट कराएंगे. अगर इक्विपमेंट ऐसा है जिसमें आपको खड़े रहना अलाउड है तो आप खड़े खड़े कराएंगे, राइट? ये अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट आते हैं. अल्टीमेटली आपके ब्रेस्ट का एक्सरे होना, आपका पिक्चर होना है और ब्रेस्ट का फोटो एक्सरे बहुत सारे एंगल्स से लिया जाता है, बहुत सारे एंगल्स से, और आपको उस बीच एक्सरे जब लेते हैं तो आपको कहा जा सकता है सांस रोकने के लिए, आपकी ब्रेथ सांस रोकने के लिए बीच बीच में जब भी पिक्चर लेते हैं, ईच पिक्चर के लिए, बिकॉज अगर आप सांस लेंगे और वो हिल गया तो वो हिल गया तो फिर वो एरर आ जाएगा, क्लियर पिक्चर नहीं आएगी, राइट? और कई बार ऐसा भी होता है कि सांस लेने से पिक्चर हिल जाती है और फिर लेना पड़ता है, सो रिमेंबर फॉर दैट, इसलिए ना ही लें. और ऑब्वियसली रिजल्ट्स थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद आएंगे तो हो सकता है आपको कहा जाए बाद में आओ, रिजल्ट ले जाओ, राइट? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर है. कई लोग इसमें हमारे देखा जाता है, डर जाते हैं कि हे भगवान, उन्होंने कहा बाद में आओ, शायद कुछ है तो नहीं, शायद कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको समय लगता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? आपके डॉक्टर उसको डिटेल में एक एक एरिया को चेक करना चाहेंगे क्लियरली रिजल्ट बताने से पहले. अब ऑब्वियसली ये हुआ कि कैसे होता है, अब टाइप्स, जी हाँ, इसके भी प्रकार है. इसमें ट्रेडिशनल मैमोग्राफी होता है जिसमें कि आपका एक फिल्म यूज होगा जिसमें बिल्कुल रूटीन एक्सरे होता है, ट्रेडिशनल वाला. लेकिन अब डिजिटल मैमोग्राफी भी आ चुका है जो कि एक नई टेक्निक है, और डिजिटल मैमोग्राफी में आपको ब्रेस्ट के बहुत ऑगमेंटेड अच्छी वाली इमेज मिलती है, जो कि ना सिर्फ इमेज है, आप उसको मैन्यूपुलेट कर सकते हो, आप उसको मैन्यूपुलेट उसकी एक्सपोजर को, उसकी क्योंकि वो इमेज कंप्यूटर में आती है तो कंप्यूटर में आप एडिट कर सकते हो, मीनिंग कि एक हिस्सा जो क्लियर नहीं दिख रहा उसको और क्लियर कर सकते हो, उसके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के कम करके, जो कि ट्रेडिशनल एक्सरे में पॉसिबल नहीं है. सो डिजिटल इज ऑब्वियसली बेटर. इवन नॉर्मल एक्सरे में डिजिटल एक्सरे इज ऑब्वियसली बेटर देन अ ट्रेडिशनल एक्सरे, राइट? और जितनी यंग फीमेल का होगा और जितना डेंस ब्रेस्ट होगी उतना अच्छा और एक्यूरेट एक्सरे मैमोग्राफी आता है, राइट? और ऑब्वियसली इसमें जरूर इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर से मौत होने का, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे आपकी लिटरली जान जा सकती है, और जल्दी डायग्नोसिस हो जाना, सही इलाज हो जाना बहुत ज़रूरी है, तो एक मैमोग्राफी रेगुलर करना बहुत अच्छी चीज़ है. और एक तीसरा प्रकार है 3D मैमोग्राफी, तीन डायमेंशनल की मैमोग्राफी होती है, डिजिटल मैमोग्राफी, जिसमें अभी
वो उसमें तीनों तरफ से घुमा घुमा के देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टैंडर्ड या डिजिटल मेमोग्राफी से कोई खास तरीके से ज़्यादा है. सो इट इज़ ओके, और डिजिटल मेमोग्राफी जितनी ही उसकी एक्यूरेसी है. तो प्रिपेयर करने के लिए क्या आपको भूखे पेट आना होगा, क्या आपको कैसे आना होगा, कैसे नहीं आना होगा, बट यस, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है. नंबर वन, आपको कोई डिओड्रेंट, कोई परफ्यूम, कोई पाउडर, कोई ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट अपने अंडर आर्म्स के नीचे नहीं लगाना है, आपके ब्रेस्ट के ऊपर नहीं लगाना है जब आपकी मेमोग्राफी हो रही. कोई डिओड्रेंट नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई ऑइंटमेंट नहीं, नहीं लगाना है, वरना इमेज की क्वालिटी में आएगा फर्क. रिमेंबर, ये कोई नहीं बताता, ये हम बताते हैं, ठीक है. ये प्रॉब्लम कई चीज़ों को हाइड भी कर सकती है, कई इमेजेस को हाइड कर सकती है. और अगर आपके नेक में, चेस्ट में कोई भी ज्वेलरी है, नेक में या चेस्ट एरिया में लंबी लंबी ज्वेलरी, तो वो हटाना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ज्वेलरी के साथ तो नहीं कर सकते. और अपने डॉक्टर को आपको बताना है कंपलसरी, अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, और या फिर अगर आपने रिसेंटली ब्रेस्ट में कोई ऑपरेशन या बायोप्सी कराई हुई है, इंजेक्शन लगाया, तो भी अपने डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि एक्सरे में फिर उसके इमेज दिखेगी, रिमेंबर दैट, ठीक है. और तो उसके वजह से फाइंडिंग्स दिख सकती है. ऑब्वियसली जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट को प्रेस करना पड़ता है एक प्लेट से. कई बार जब प्रेस करते हैं प्लेट से, वो ठंडा प्रेस कर सकते हैं और कुछ नहीं, और वो प्रेस करना ज़रूरी होता है एंगल से, ताकि इमेज अच्छी क्वालिटी क्वालिटी की आए. सबसे बड़ा सवाल, कब करते हैं, क्यों करते हैं टेस्ट? सबसे बड़ा सवाल है क्यों करते हैं और कब करते हैं ये टेस्ट. देखिए, ये टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, आपके ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए, ब्रेस्ट लम्ब्स के लिए. और बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलरली इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं. बाहर के देश में आपके 17-18 साल की उम्र से रेगुलरली इसको करा जाता है फीमेल्स में. हमारे देश में करते हैं नहीं करते हैं, उनकी मर्जी होती है, कंपलसरी कुछ नहीं है, बाहर तो कंपलसरी है. बिफोर हैविंग अ मेमोग्राफी, आपके डॉक्टर आपको उसका प्रोस एंड कॉन्स, रिस्क बताया जाता है कि भाई हाँ, आपको याद रखना है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो नहीं, आपके अंदर कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, आपके फैमिली में कोई बीमारी तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की. और आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, लिटरली आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े डॉक्टर से, राइट. ब्रेस्ट के अगर आपको कैंसर की हिस्ट्री है तो, अगर आपके फैमिली में, राइट. और वो आप भी कर सकते हो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो एक अलग टॉपिक है, वो बाद में कवर किया जाएगा, राइट. और अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी जाए तो अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाए, इसलिए भी किया जाता है. और ज़्यादातर फीमेन जो 40 की उम्र में हो चुके हैं, वो हर साल या 2 साल में एक बार कराना चाहिए, राइट. दो कई लोग, जैसा मैंने कहा, बाहर की उम्र में यंग एज में ही ब्रेस्ट के एक्सरेज कराने शुरू हो जाते हैं कई लोगों, कई जगह 18 साल, कई 20, कई 25. तो ये अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग मानना है, अलग अलग जगहों का अलग अलग मानना है. हाँ, 40 की उम्र के बाद तो हमेशा करना ही चाहिए, और जो 50 की उम्र में है उनको हर साल रिपीट करना चाहिए, वो रिकमेंडेड है. बिल्कुल, 50 की उम्र के बाद रिस्क बहुत बढ़ जाता है. और जिनकी मदर सिस्टर, जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उनको ये बहुत जल्दी उम्र में, जैसा मैंने कहा, 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में करा लेना चाहिए, शुरू करना चाहिए. एक बार करने से नहीं होगा, हर साल 2 साल में एक बार करना ज़रूरी है. और इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको अगर आपको एक बार एबनॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट मेमोग्रामी एबनॉर्मल आई, तो सेकंड बार करके देख सकते हैं कि भाई जो चक लग रहा था वो बढ़ तो नहीं रहा, वो गांठ तो नहीं है, वो क्या है. एक बार थोड़े दिनों बाद रिपीट करके देख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग. और अगर आपको ब्रेस्ट की कोई बीमारी है, मान लीजिए निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट लंप है, ब्रेस्ट में दर्द है, ब्रेस्ट में डिम्पल है चमड़ी के ऊपर, या खून आ रहा है, या निप्पल में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सब के लिए भी मेमोग्राफी करके देखा जाता है कि अंदर कोई और मेजर चीज़ तो नहीं है, कोई गांठ, कोई ट्यूमर तो नहीं है, राइट. ऑब्वियसली नॉर्मल रिजल्ट क्या होता है? नॉर्मल रिजल्ट में ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन नहीं होता. देर इज नो साइन ऑफ एनी मास और कैल्सिफिकेशन. मास भी नहीं होता, कोई गांठ भी नहीं होती, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होता, वो नॉर्मल होता. कोई भी गांठ आए, कोई भी कैल्सिफिकेशन आए, दैट इज वर्थ लुकिंग इन टू, वो जांच करने लायक होती है.
एबनॉर्मल फाइंडिंग में जैसा मैंने कहा यही चीज, हमेशा ऐसा नहीं है कि कैंसर ही निकलेगा, कई बार बिनाइन बिनाइन चीजें भी, बिनाइन कैंसर भी निकलता है, कैंसर मेलिग्नेंट हो सकता है, बिनाइन हो सकता है। बिनाइन वाला वो है जो बढ़ता नहीं, आपकी जान नहीं लेता, मेलिग्नेंट वाला वो है जो जान ले सकता है, राइट। सो अगर ब्रेस्ट टिश्यू में कुछ मिलता भी है तो डरने वाली बात नहीं है, आपके रेडियोलॉजिस्ट उसको देखेंगे कि वो एक किस तरीके का गांठ है, क्या है, आपका कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। कई बार वो सिर्फ एक सिस्ट हो सकता है, सिर्फ मात्र पानी भरी गांठ हो सकती है, लंप हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, वेल ऑर्गेनाइज कैल्सिफिकेशंस भी हो सकते हैं, और कैल्सिफिकेशन कई बार कैल्शियम डिपॉजिट से भी हो सकते हैं, लेकिन हर बार कैल्सिफिकेशन होना ब्रेस्ट कैंसर का साइन नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई बीमारी हो सकती है उसके लिए, राइट। और ब्रेस्ट कैंसर में डेंस एरिया दिखेंगे, जो ब्रेस्ट में पकरिंग दिख सकती है, और भी कई साइंस होते हैं जो डॉक्टर फिर डिड्यूस करते हैं उन सबके फाइंडिंग्स को कोरिलेट करके, राइट। टेस्ट ये ब्रेस्ट कैंसर का कई बार मैग्निफिकेशन या कंप्रेस करके भी व्यूज देखे जा सकते हैं। इसी को कंफर्म करने के लिए और भी टेस्ट अवेलेबल है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, ब्रेस्ट का एमआरआई एग्जाम अवेलेबल है, जो कि काफी लेस कॉमनली किया, एमआरआई तो लेस कॉमनली होता है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड जो मेमोग्राफी है वो एक्सरे के जगह भी किया जाता है कई बार, राइट। आप अपना अभी का मेमोग्राफी पुराने मेमोग्राफी से कंपेयर कर सकते हैं देखने के लिए कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में कोई सस्पिशियस चीज दिखती है, कोई गांठ है, कोई चीज है जिससे इस पे शक हो रहा है, तो उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी मतलब सुई डाल के छोटा सा उसका टुकड़ा टिश्यू लिया जाता है, उससे जाँच की जाती है कि वो क्या है। बायोप्सी के लिए ऑब्वियसली स्टीरियोटेक्टिक या अल्ट्रासाउंड बायोप्सी की जा सकती है सुई डालने के लिए, या कई बार अगर गांठ बड़ी निकलती है तो पूरी की पूरी गांठ निकालने के लिए ओपन बायोप्सी यानी एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया जा सकता है, ये सर्जन आपके डिसाइड करेंगे, राइट। तो क्या ब्रेस्ट मैमोग्राफी कराने से कोई खतरा है आपको, कोई रेडिएशन का लेवल ऑफ रेडिएशन इसका लो होता है, कोई खास इसमें खतरा नहीं होता, मैमोग्राफी से रेडिएशन का खतरा ना के बराबर वेरी वेरी लो है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपको बताना है कि प्रेगनेंसी में आपको कोई भी एक्सरे नहीं करना चाहिए, राइट। या फिर आपका ब्रेस्ट करना ही पड़ा तो ब्रेस्ट आपके जो पेट का एरिया है उसको फिर लेड से कवर किया जाएगा, लेड एप्रन से, ताकि वहां पर कोई भी रेडिएशन बच्चे तक ना पहुंचे। जी हाँ, नॉर्मली एक्सरेज नहीं किए जाते लेकिन करना ही पड़ा, मजबूरी है, उसके बगैर पता नहीं चलेगा, तो लेड का एप्रन पहना जाता है, लेड का एप्रन याद रखिए। रूटीन स्क्रीनिंग टेक्निक है मेमोग्राफी, और ये और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं की जाती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई सारी बात मैमोग्राफी की A to Z, आई होप आपको क्लियर हुई है। मेक श्योर कि ये हर फीमेल दूसरी फीमेल को शेयर करें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शुड बी स्प्रेड, और जरूर बताना है। कोई भी सवाल है जरूर लिखिए, आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।